दर्शन भी कर लिए सीता माता का। और यहाँ देखिए पीपल का पेड़, जो बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चलता है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ज़्यादातर देखे हैं कि साउथ के लोग ज़्यादा आए हैं। अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। फाइनली हम लोग कार में आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा है, धूल भरी अंधड़ आ रही है इस समय। बंद कर दिया। अभी हमने खाया है आइसक्रीम। खोला। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सोच रहे हैं, मैं देखिए यहाँ कार रुकवा के आइसक्रीम, मतलब वो आइसक्रीम नहीं, सॉरी गन्ने का रस पी रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारी मधुमक्खी जो है आसपास ऐसे लगी हैं। कभी कभी ऐसा लग रहा है कहीं इसे दब के पिस ना जाएं। इनसे मैं पूछ रही हूँ, कह रहे नहीं दबती नहीं है, और अगर दब भी जाती हैं तब काटती हैं। और उसके बाद हम गन्ना का रस पीने के बाद हम फिर से वापस अपने घर की तरफ चल दिए हैं। बच्चे नहीं पिए, मैं ही अकेले पी। लोग आने के बाद नहीं बनाए, तो मैं बना रही हूँ खाने में दाल टिक्की। तो मैंने यहाँ पे अरहर की दाल डाली है, हल्दी नमक मिर्च ये डाली है, और डालूंगी आम की खटाई। एक साइड मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए। और यहाँ पे दाल टिक्की के लिए मैंने आटे तैयार कर लिया है। तो आटा भी हमारे मैं इसी दाल में डाल दूँगी, जैसा कहते हैं ना रोटी और दाल। तो दाल और ये दाल टिक्की मतलब छोटी सी ही इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा इसको बेलेंगे, जैसे हम कचौरी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बेल लेंगे, फिर दाल में डाल देंगे। और इसके बाद हमारी बन जाएगी दाल टिक्की तैयार। अगर आम है तो आम डाल दीजिए, क्योंकि आम के सीजन में ज़्यादा बनता है, खट्टा खट्टा सा जब अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ दाल टिक्की जैसे कि, और बस छोटी छोटी लोई बनाऊँगी। और वैसे बहुत आनंद आया, मैं जहाँ पर गई थी सीतामढ़ी घूम के आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और एक बार अगर आप लोग लोकल के हैं तो ज़रूर आइएगा, देख लीजिएगा, सच में अच्छा लगा। देवस्थल है, हनुमान जी की मूर्ति है, सीता मैया की मूर्ति है, सीता मैया जब समाहित होती हैं वो चीज़ है, सच में अच्छा, एकदम सच में बढ़िया, मतलब मन खुश हो गया। और सबसे ज़्यादा मैं देखी वहाँ पे ना कि साउथ की लोग जो टूरिस्ट हैं वो बाहरी मेला ज़्यादा वहाँ पर था। और धूप की वजह से इतना था कि धूप के वजह से शाम सुबह में ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग गए थे वही 3:30 के टाइम रहा होगा पहुँचे हैं। लेकिन ये है कि वहाँ बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा लग रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही। एक साइड मैंने सोचा कि ये नदी नहीं है तालाब है, लेकिन वहाँ पर नदी भी थी। और क्योंकि जो वहाँ के रहने वाले थे उनसे पूछा गया तो वो बताएं कि हाँ वहाँ पर नदी है, और मेरी पड़ोसन भी बता रही थी कि वहाँ नदी है। मुझे नहीं बिल्कुल भी पता था कि नदी है, क्योंकि अब देखिए नदी का पानी जो है धीरे धीरे करके सूखता चला जा रहा है, तो वहाँ का भी पानी। और सच में जब सीता मैया वहाँ पर समाहित हुई हैं वो सीन वहाँ पर था, और सीता मैया के चेहरे को बड़े ध्यान से मैंने देखा, उस चेहरे को जैसे होता नहीं है किसी चीज़ को जिससे वहाँ दिखा रहा है ना, और सेम वही था सीता मैया के चेहरे पे, एक अजब सी उदासी थी, मतलब जैसे कहते हैं ना अजब सी एक निखार होता है ना, वो चीज़ नहीं था, एक उनके चेहरे पे उदासी भयानक वाली थी कि अपने परिवार को कहते कोई भी चीज़ आदमी खुशी खुशी करता है तो उसके चेहरे की बन स्ट्रक्चर उस हिसाब से बदल जाता है, और अगर उसी चीज़ को वो दुखी से करता है तो स्ट्रक्चर उस हिसाब से फेस का हो जाता है। तो बिल्कुल वही रूप था सीता मैया का। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये फील किया कि जब माता रानी इतना मतलब शक्तिशाली एक लक्ष्मी की रूप है, और इतना होते हुए इतना दुखों को झेली, तो हम लोग आम औरत हैं, हम लोग कितना भी कर लें उनके जैसे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी यही सारी चीज़ें थी। तो बस वहाँ से आने के बाद मैं बना रही हूँ खाना, मन नहीं था तो कहीं से जाओ घूम के आओ ना तो थक जाओ। और वहाँ से आने के बाद ना तो बीच में मतलब दोपहर का टाइम था, शाम का मतलब नाइट का टाइम तो था नहीं कि खाने, हम लोग खाना वाना खा के बाहर से आते,
तो इसलिए खाना वाना नहीं खाए थे। तो बस यहाँ पे बेटे जी चले गए हैं दर्शन करने, और वो दर्शन करके आएंगे, उनके लिए मैंने बनाया पूरी वगैरह, तो वो चले गए हैं। और अभी हम लोग बना रहे हैं डिनर अपने और बिटिया रानी के लिए और श्रेया के लिए, ओ मतलब हस्बैंड के लिए, श्रेया बिटिया रानी तो बोली हूँ। तो बस यहाँ पे हमने बर्नर दाल टिक्की डाल दिया है, अब इसमें डाल रही हूँ नमक, और मैं न्यूज़ देख रही हूँ। तो एक न्यूज है जो कि बहुत मुझे बहुत ही जानना है उस चीज़ को, तो बस इसीलिए मैं आमला ही छील के डाल रही हूँ। और यहाँ पे इसको हम एक बार ही ऐसे अच्छे से चला देंगे, ताकि ये अच्छे से मीडियम फ्लेम में करके छोड़ देंगे, ताकि आराम से ये पक जाए और हम तब तक न्यूज़ देख के आ जाएंगे। तो चलिए हम लगा देते हैं ढक्कन और वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को ठोक ठोक के लाइक करना, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बट ये है कि पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना, बेल का बटन प्रेस करना ना बोलना, ये सारी चीज़ें आप कर लो। और मैं मेरी वीडियो के साथ आप सब किससे मिलती रहूँगी, ठीक। तो यहाँ पे तवा हो गया जो है, भिगो दिया मैंने, और ये साइड में रखा है दूध जो कि वो भी पक जाएगा, और पक गया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं तवा को भी इसको धुल लेती हूँ, और आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। गुड नाइट, बाय, टेक केयर। नए वीडियो के साथ फिर से हम आप सबको परेशान करने आ जाएंगे। बाय बाय। और जो न्यूज़ मैं देखने जा रही हूँ ना, वो सच में मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि वो न्यूज़ में और उनके बारे में, जिसके बारे में मैं देखना चाह रही हूँ, वो क्या सच्चाई है, क्या ये जितना भी कहा गया है या जितना भी हम सुने हैं वो अफवाह था या सही था। बस उसी न्यूज़ के लिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पे बना रहे हैं दाल टिक्की, और एक साइड रख दिया था मैंने दूध बॉयल होने के लिए, तो मेरा काम आसान हो गया और मुझे जल्दी से टाइम मिल गया है न्यूज़ देखने का। तो बस फटाक से, तो उसमें आटे में हम मतलब आटे को लोई बना बना के दाल टिक्की दाल में डाल देंगे, और फटाक से दोनों काम एक साथ हो जाएगा, दाल भी पक जाएगा और रोटी भी तैयार हो जाएगी ना। तो टेस्टी आता है, घी अगर डाल दीजिए, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अब तो खाने लगी। मुझे है न्यूज़ देखने की उतनी ही जल्दी है दूध पकाने की, क्योंकि दूध पक जाएगा तभी मैं फ्री हो जाऊंगी न्यूज़ देखने के लिए। और जब किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। शायद हो सकता है हम वेट कर रहे हैं तो हमें लगे कि हाँ यार ये जल्दी से हो जाए, लेकिन वो अपने हिसाब से होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो बस गैस का फ्लेम जो है मीडियम में कर दिए हैं, जब तक ये स्लोली स्लोली पकता रहेगा तब तक हम न्यूज़ देख के फटाफट से आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं। अभी मैं जा रही हूँ छत पे टीवी देखने, क्योंकि न्यूज़ हमको देखना है। देखने आई हूँ, यहाँ पर चढ़ रहा है चिड़ियाघर, तो मैं न्यूज़ के लिए जल्दी जल्दी से खाना बना के आ रही हूँ। गोपू भैया है, कम समय में जल्दी पकने वाला दाल टिक्की तैयार हो गया है। जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट से खाना निकालते हैं।